खड़े जाने पलटा मैच धोनी की सीएसके ने जीता, पांचवी बार आईपीएल खिताब कांटे की टक्कर में गुजरात को हराया। या दोस्तों आईपीएल फाइनल इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के फाइनल मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने धमाकेदार अंदाज में जीत दर्ज की। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में चेन्नई ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी है। दोस्तों बताते हैं हम आपको इस मैच की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, बस आप बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में अंत तक। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो, शेयर नहीं किया हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। या दोस्तों अगर मैच के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो चेन्नई ने जीता आईपीएल 2023 का फाइनल, और फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया है। बारिश के कारण चेन्नई को मिला था 171 रन का टारगेट, और चेन्नई ने आईपीएल में यह 5वीं बार खिताब जीत लिया है। गुजरात ने मैच में 215 रन का टारगेट दिया, लेकिन बारिश के बाद डकवर्स लुइस नियम के से 15 ओवर में टारगेट 171 रन का कर दिया। इसके जवाब में चेन्नई की टीम 5 विकेट पर 171 रन बनाते हुए अपने नाम कर लिया ये आईपीएल का खिताब। चेन्नई के लिए डिवॉन कॉनवे ने 25 गेंदों पर सबसे ज़्यादा 47 रन बनाए, शिवम दुबे ने 32 रन और अजिंक्य रहाणे ने 27 रन बनाए। गुजरात के लिए मोहित शर्मा ने 3 और नूर अहमद ने 2 विकेट लिए। आखिरी 2 गेंदों पर चेन्नई को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे, तब क्रीज पर रविंद्र जडेजा थे, उन्होंने मोहित शर्मा की बॉल पर छक्का, पहली बॉल पे छक्का लगाया और फिर चौका लगाकर चेन्नई को फाइनल जिताया। मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए गुजरात की टीम ने 4 विकेट पर 214 रन बनाए थे। टीम के लिए साई सुदर्शन ने 47 गेंदों पर 96 रनों की पारी खेली, उन्होंने 6 छक्के और 8 चौके जमाए। उनका तगड़ा स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर का था। सुदर्शन के अलावा रिद्धिमान शाह ने 54 और शुभमन गिल ने 39 रनों की पारी खेली। चेन्नई के लिए मतीसा पथिराणा ने 2 विकेट लिए। यह दोस्तों हम आप सभी को बता देते हैं कि सीएसके ने यह खिताब जीत लिया है और चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटन्स को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 5 विकेट से हरा दिया है। और चेन्नई की जीत के हीरो रहे रविंद्र जडेजा, जिन्होंने आखिरी 2 गेंदों पर छक्का एवं चौका लगाकर टीम को जीत दिलाई। एमएस धोनी की टीम चेन्नई ने 5वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया है। धोनी ने अब सबसे ज़्यादा आईपीएल ट्रॉफी जीतने के मामले में रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है। या दोस्तों सीएसके को 13 रनों की ज़रूरत थी अंतिम ओवर में, जब सीएसके को जब 13 रनों की ज़रूरत थी तो लगातार चार गेंदे मोहित शर्मा ने यॉर्कर बोले करवाई। एक समय लग रहा था कि अब शायद ये मैच सीएसके के हाथों से निकल चुका है। जब अंतिम 2 गेंदों में 10 रन चाहिए थे, तब मोहित शर्मा एक बार फिर से यॉर्कर कराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जैसे ही जडेजा ने सामना किया, उस यॉर्कर को फुल टॉस में तब्दील किया और बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए पहुंचा दिया बॉल को। और अब अंतिम बॉल पर 4 रनों की ज़रूरत थी। एक समय सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खामोश होकर बैठ चुके थे कि अब ये मैच अपने हाथों से निकल चुका है। या दोस्तों ट्विस्ट की बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी आज 0 रन पर पहली ही गेंद पर आउट हो चुके थे, कैच आउट हो चुके थे, जब अंतिम बॉल का सामना रविंद्र जडेजा कर रहे थे। रविंद्र जडेजा को 4 रनों की ज़रूरत थी। दोस्तों विकेट के पीछे से रविंद्र जडेजा ने चौका लगा दिया और अपनी टीम सीएसके को विजय करवा दिया। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा।